नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले भारत ने इस बात से इनकार किया था कि लाहौर में वेरी रिसेंटली हुए विस्फोट में उसकी भूमिका थी। इस घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई और अनेक घायल हुए। ये धमाका JUD के नेता हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ था। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइद यूसुफ ने कहा था विस्फोट के पीछे भारत का हाथ था। उससे कुछ दिन पहले भारत ने कश्मीर में ड्रोन हमलों में इस्लामाबाद की भूमिका का आरोप लगाया था। भारत के आरोप को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। पिछले महीने भारतीय सरकार ने कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। उस समय ऐसा लगा था इंडियन गवर्नमेंट पर ऑलराउंड इंडियन प्रेशर है, सिचुएशन नॉर्मलाइज कीजिए कश्मीर में और इंडो पाक फ्रंट पर भी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उसके पहले कहा था ही इज रेडी टू टॉक टू इंडिया। पाकिस्तान भारत संबंध दुश्मनी के सागर की तरह है, हाई टाइड एंड लो टाइड ऑल्टरनेट विद ईच अदर। हाई टाइड यानी एक्सेसिव हॉस्टिलिटी, लो टाइड का मतलब है शांति की ओर या फिर शांति की प्रक्रिया हो रही है। सिचुएशन ऐसी रहती है क्योंकि परपेचुअल एंटागोनिज्म में दोनों देश नहीं रह सकते, लेकिन साथ शांति से भी नहीं रह सकते। रीजन इज वेरी सिंपल, द थ्रेट अक्रॉस द बॉर्डर इज ऑलवेज अ मेजर फैक्टर इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ये हिंदुस्तान में 2014 से और ज्यादा गहरा फैक्टर बन गया है। इसी वजह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन फेजेस या फिर उन इवेंट्स को याद करें जब दोनों मुल्कों ने अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश की हो। एक ऐसा अध्याय का 20th एनिवर्सरी हमारे ठीक सामने है, 14th to 16th July 2001 के बीच आगरा समिट एक इपोकल इवेंट हो सकता था, परंतु उसके फेलियर के बावजूद आगरा समिट की महत्वता को हम नकार नहीं सकते हैं। जसवंत सिंह इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम सेड आफ्टर द समिट वी विल पिक अप द थ्रेड्स, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान रीडआउट्स ऑफ द समिट वाज मोर और लेस द सेम इन द सेम मोल्ड। दे सेड द मीटिंग वाज इनकंक्लूसिव बट नॉट अ फेलियर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा करें कि बाद में क्या हुआ, आगरा समिट के बाद में क्या हुआ, पृष्ठभूमि को याद करना चाहिए। पेश है कुछ स्नैपशॉट्स। 12वीं लोकसभा के चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करवाना वाजपेयी सरकार के फर्स्ट एक्शंस में से एक था, पहली 11 मई को और दूसरी फिर से 13 मई को। यह पहला इंस्टेंस था जब किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फॉरेन या स्ट्रेटेजिक कदम अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मद्देनजर के लिया हो। वाजपेयी सरकार के फैसले का ग्लोबल कंडेमनेशन तो हुआ ही, साथ ही 15 दिन के अंदर पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट कर दिया। सिचुएशन इंडिया के पक्ष में एडवांटेजेस ना रहकर स्थिति बराबरी में
तब्दील हो गई। बहुत स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं पोखरण 2 के फैसले के बाद इंडिया का न्यूक्लियर डेटरेंट हाथ से निकल गया। साउथ एशिया के दो सबसे बड़े मुल्कों का न्यूक्लियर पावर हो जाने पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत चिंता होने लगी। द यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वॉज कोटेड एज सेइंग, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। कुछ समय तक कोई बातचीत नहीं हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। जून 1998 में वाजपेयी ने डायलॉग प्रोसेस फिर से शुरू किया, उन्होंने उसको इनिशिएट किया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को प्रपोज किया, कोलंबो में सार्क समिट के दौरान मिलते हैं। मीटिंग तो हुई लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा आउटकम जीरो। दोनों फिर से सितंबर 1998 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशंस के साइडलाइंस पर मिले। कहते हैं कि एक लंच साथ किया गया अपने ऑफिशियल्स के साथ। दिस सेट द टोन फॉर रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल टॉक्स एट द फॉरेन सेक्रेटरी लेवल अंडर द कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस दैट वाज एग्रीड इन 1997 व्हेन मिस्टर आई के गुजराल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस मीटिंग में शरीफ ने बताया कि कैसे वे 1982 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान से दिल्ली अपनी गाड़ी को खुद चला के आए थे। बात सुनते ही वाजपेयी ने प्रपोज किया कि वे लाहौर जाएंगे। एक आईएफएस ऑफिसर ने उनके कान में धीरे से कहा बस से चले जाइएगा। इंडो पाक ट्रैक टू डायलॉग्स में कुछ वक्त से भारत लाहौर बस सर्विस को शुरू करने की चर्चा हो रही थी। सितंबर 1998 से जनवरी 1990 तक बस सेवा और वाजपेयी की यात्रा पर इंटेंस डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हुए। फाइनली इट वाज डिसाइडेड वाजपेयी वुड फ्लैग ऑफ द बस फ्रॉम अमृतसर। डी डे के कुछ ही दिन पहले नवाज शरीफ ने वाजपेयी को फोन करके कहा कि आप हमारे द्वार तक आएंगे और हमारे घर नहीं आएंगे। 19 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी अटारी वाघा बॉर्डर से लाहौर के लिए रवाना हो गए उस ऐतिहासिक बस से। वाजपेयी के साथ कई पत्रकार पब्लिक पर्सनालिटीज थे, सिनेमा जगत के भी बहुत ही बड़े मशहूर स्टार्स उनके साथ थे। ऐतिहासिक लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ दोनों देशों के बीच में। दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन साउथ एशियन हिस्ट्री एंड वी विल बी एबल टू राइज टू द चैलेंज। इट इज विद अ सेंस ऑफ इलेशन आई फाउंड myself ऑन पाकिस्तानी सॉइल आफ्टर अ गैप ऑफ 21 years। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके सिग्नेचर के बाद ये घोषणा की। लेकिन उत्साह बहुत दिन नहीं चला, कुछ ही दिनों में इवेपोरेट हो गया। इंडो पाक रिलेशंस पर फिर से काले बादल छा गए। मई 1999 में भारतीय सेना के पेट्रोल टीम्स ने कारगिल रिजेस पर पाकिस्तान से घुसपैठियों को डिटेक्ट किया। भारत ऑक्यूपाइड टेरिटरी को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच फॉर्मल वॉर की संभावना फ्राइटनिंग हो गई क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हो चुके थे। हम सभी जानते हैं कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 3 महीने लंबी एलओसी पर जो ऑपरेशन विजय था उसका सफल या फिर कल्मिनेशन डे था। नेचुरली कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया पाकिस्तान टाइज
फिर से डीप फ्रीजर में चले गए। उसी बीच हिंदुस्तान में 1999 का लोकसभा चुनाव का कैंपेन ने बहुत जोर शोर पकड़ने लगा। चुनाव के बाद इधर वाजपेयी ने पुनः से शपथ लिया और उधर परवेज मुशर्रफ ने कू करके पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। 2 महीने के अंदर इंडिया पाकिस्तान रिश्ते एक बहुत ही नाजुक दौर पर पहुंच गए। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 हाईजैक हो गया। इस घटना से वाजपेयी सरकार की छवि खराब तो हुई ही, लेकिन साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सरकार ने 3 टेररिस्टों को छोड़ने का फैसला किया हाईजैक क्राइसिस को रिजॉल्व और समाप्त करने के लिए। उन टेररिस्ट में से मसूद अजहर एक थे। उमर शेख वाज आल्सो वन ऑफ द टेररिस्ट रिलीज। ही वेंट ऑन टू किल द अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल। फाइनली ही सरेंडर टू एन ISI ऑफिसर। उमर शेख वाज अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी बाय पाकिस्तानी कोर्ट्स, बट दिस वाज नेवर कैरिड आउट। ऑलमोस्ट 2 decades आफ्टर बीइंग इन कस्टडी, हिज रिलीज वाज ऑर्डर्ड बाय द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इन 2020। मार्च 2000 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के भारत यात्रा के दौरान चित्ती सिंहपुरा मैसेकर उनका एक बहुत ही ग्रिजली एपिसोड हिंदुस्तान में हुआ। इसके लिए भारत की सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। चित्ती सिंहपुरा मैसेकर के ऊपर कई इंटरप्रिटेशंस हैं, जिनके बारे में मैं अभी फिलहाल नहीं जानना चाहता हूं। उस पर्टिकुलर घटना के अलावा द ईयर 2000 वाज मोर और लेस रिलेटिवली मोर पीसफुल देन द प्रीसीडिंग ईयर। इन द मंथ ऑफ नवंबर इन 2000 इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड यूनिलैटरल सीज फायर इन कश्मीर। सीज फायर 28 नवंबर को शुरू हुआ, 3 फेजेस में अलग अलग बारी करके बढ़ाया गया। द लास्ट एक्सटेंशन रिमेन्ड इन फोर्स टिल द 30th of May 2001। इसके पहले मार्च 2001 में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान ने लाहौर घोषणा की भावना या फिर सेंटिमेंट्स को रिवाइव करने की बात की। इवेंचुअली वाजपेयी इनवाइटेड परवेज मुशर्रफ फॉर द समिट ऑन द 23rd of May 2001। निमंत्रण का मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया खुद को राष्ट्रपति घोषित करने के लिए। उन्होंने जून में प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ले ली। मुशर्रफ के अराइवल के पहले हिंदुस्तान में आगरा समिट से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, परंतु आगरा में मुशर्रफ के आउटस्पोकन कमेंट्स की वजह से वार्ता पर एक नेगेटिव सा शैडो कास्ट हुआ। यही आगरा समिट की विफलता का कारण बना। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर वाज एक्चुअली नो आउटकम गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 कंट्रीज ऑन इश्यूज ऑफ कश्मीर एंड ऑन टेररिज्म। आगरा में डेडलॉक को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों के विभिन्न किस्म के विचार और ओपिनियंस हैं। HY शारदा प्रसाद, जो इंदिरा गांधी के इंफॉर्मेशन एडवाइजर तो थे ही, साथ ही स्पोक्स पर्सन भी थे गवर्नमेंट के, उन्होंने लिखा है कि द लैक ऑफ अटेंशन ऑन इंडियाज पार्ट बिफोर द समिट इज द मेन रीजन फॉर मुशर्रफ गेटिंग मच मोर आउट ऑफ द आगरा एक्सरसाइज दैन मिस्टर वाजपेयी। रॉ के फॉर्मर चीफ A.S. दुलत ने अपनी किताब में लिखा था कि लाल कृष्ण अडवाणी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द टॉक्स। हिंदुस्तान में लेकिन आम मान्यता है पाकिस्तान ने मुशर्रफ के साथ इंडियन एडिटर्स
और पत्रकारों का जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुआ था उसको ना तो क्लैंडेस्टाइनली शूट किया था, रिकॉर्ड किया था, बट साथ ही उसको टेलीविजन में भी ब्रॉडकास्ट करवा दिया था। यही कारण था कि मुशर्रफ ने इंडियन सॉइल से अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को वू करने की कोशिश की, क्योंकि उस एक्सचेंज में उन्होंने कई ऐसी बातें की थी जो इंडिया को ऑब्जेक्शनेबल लगी थी। इंडो पाक रिश्तों के इतिहास में आगरा समिट एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पड़ाव था। आने वाले वक्त में इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आते रहेंगे, जैसे अलग अलग और लोग जो इसके साथ जुड़े हुए थे वो डिस्क्लोजर्स करेंगे। द मेन मैसेज दैट केम आउट वाज दैट सबकॉन्टिनेंटल लीडर्स ऑफन फॉर्मुलेटेड देयर नेबरहुड पॉलिसीज कीपिंग देयर डोमेस्टिक वोट बैंक्स इन देयर माइंड्स। आगरा समिट के बाद कई अनफॉर्चुनेट घटनाएं हुई। 9/11 में यूएस में जो टेररिस्ट स्ट्राइक हुए और उसके बाद December 13, 2001 में जो संसद पर टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ, इन दोनों से पूरी दुनिया और खास तौर से साउथ एशिया का सिक्योरिटी माहौल और एटमॉस्फेयर बदल गया। लेकिन उसके बारे में बात कभी और होगी, क्योंकि वो एक और चैप्टर है। आज के लिए नमस्कार। We'll be right back.